Puzzle number 291. 8 boxes were kept one above one in the form of stack. 3 boxes kept between A and G. 1 box kept between C and D. Not more than 2 boxes kept between B and C. No boxes kept between A and D. 3 boxes kept between E and F. 2 boxes kept between B and F. Box H kept immediately above box E. Below box E. E kept on the top. F kept above B. तो total 9 statement है. देखने के लिए बहुत बड़ा puzzle लगता है, but ये हम लोग इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट गए तो. तो हम लोगों को पहला स्टेटमेंट जो है, 3 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन ए एंड जी. तो ए एंड जी के बीच में 3 बॉक्सेस है, ए एंड जी. तो यहाँ पे ही हम लोग सॉल्व करते, इजी हो जाएगा आप लोगों को पता चलने के लिए. ए 1 2 3, जी एंड ए. ओके, 1 बॉक्स केप्ट बिटवीन सी एंड डी. सी एंड डी के बीच में 1 बॉक्स है. उसके बाद नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन बी एंड सी. तो बी और सी के बीच में 2 से ज़्यादा बॉक्सेस नहीं रखने हैं. नो बॉक्स केप्ट बिटवीन ए एंड डी. ए और डी के बीच में एक भी बॉक्स नहीं है, मतलब ये इमीडिएट नेबर है डी और ए. ओके, ये कौन सा स्टेटमेंट हुआ, नंबर 4. 3 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन ई एंड एफ. ई एंड एफ 1 2 3, एफ एंड ई. ओके, उसके बाद 2 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन बी एंड एफ. बी एंड एफ में 2 बॉक्सेस, एफ एंड बी. एच केप्ट इमीडिएटली बिलो बॉक्स ई. 7th स्टेटमेंट जो है, एच केप्ट इमीडिएटली बिलो ई. सो ई केप्ट ऑन द टॉप, तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट हुआ. एफ केप्ट अबव बी. तो 9th वाला जो स्टेटमेंट है, एफ जो है बी के ऊपर है, बट इमीडिएट ऊपर ऐसा लिखा नहीं है, सो कहाँ पे भी आ सकता. तो 8 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हम लोगों को डायरेक्ट स्टेटमेंट जो दिया है, ई केप्ट ऑन अ टॉप, तो ई जो है ऊपर आता है, ई के नीचे इमीडिएट बिलो एच है. तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है हमने सॉल्व किए हैं. उसके बाद ई और एच के रिलेटेड हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे. ई और एफ में 3 लोग हैं, 1 2 3. तो ये स्टेटमेंट हमने क्लियर किया, ये हुआ. उसके बाद एफ के रिलेटेड ये है, तो बी जो है, बी और एफ में 2 लोग हैं, 1 2. यहाँ पे ऑलरेडी एच है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 2 यहाँ पे बी आएगा नीचे. उसके बाद ए और डी और ए और जी के बारे में अगर हम देखें, तो ए और जी के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3. ओके, तो यहाँ पे अगर हमने ए लिया, 2 पॉसिबल केस होते हैं. ए अगर हमने यहाँ पे लिया 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा जी. उसके बाद ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी. ओके, अगर ए हमने यहाँ पे लिया तो 1 2 3, तो करेक्ट. तो ये केस पॉसिबल हो जाता है, ए और जी के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे आता है जी. डी इज अ इमीडिएट नेबर ऑफ ए. ओके, और जो बचा है वो है सी. ओके, तो दिस इज द फाइनल आंसर. फाइनल आंसर.